उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शहर के बीचों बीच एससी कॉलेज चौराहे के पास सरकारी नर्सों द्वारा वर्षों से अवैध तरीके से चलाए जा रहे प्रसव केंद्र ने प्रसव के दौरान एक मासूम की जान ले ली। नर्सों ने प्रसव कराने का दुस्साहस तब किया जब जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने केस को क्रिटिकल बताते हुए ऑपरेशन का सुझाव दिया था, लेकिन नर्सों ने अपने आप को डॉक्टर से ज्यादा कुशल समझते हुए परिजनों को बरगला कर नॉर्मल डिलीवरी कराने का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में लिखित तहरीर दिया। इस प्रकरण पर बलिया पुलिस अधीक्षक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है, जबकि मौके पर पुलिस मौजूद रही। तो अभी आप क्या घटना हुई है, यहाँ पर आई हुई? हम लोग डिलीवरी कराने के लिए आए थे, संगम से ऑपरेशन के लिए बोली थी, लेकिन हम लोग राय बात के लिए आए थे। किससे राय बात करने के लिए आए थे? यही पानपति कहलाती है सर। कौन है ये डॉक्टर? है कह रहे हैं हम सरकारी डॉक्टर हैं, रिटायर हो गए। आप परसों आए थे लेकर, तो बोली कि बृहस्पतिवार के दिन लेकर आइए, हम नॉर्मल डिलीवरी अच्छा करा देंगे, जच्चा बच्चा दोनों को अच्छा रखेंगे। हम लोग आए थे सुबह में, दर्द नहीं हुआ था, आए थे सुबह में दिखाने के लिए तो जवाब भी नहीं दी, कहीं कि नहीं एकदम नॉर्मल बच्चा अच्छा से पैदा करा देंगे। ठीक है, समझ लो कोई जगह जाया जाता है ना राय बात के लिए कि हाँ देखिए कैसा है बच्चा। इनको तो रिपोर्ट हम ये बोली थी, कभी भी अल्ट्रासाउंड दोबारा जाकर करा लाए, प्रकाश हॉल में अल्ट्रासाउंड कराए थे। वो कह रहे थे कि नहीं हम लोग कराते हैं, बहुत लोगों को डिलीवरी कराए हैं, ये ऐसे पाव के भरे बच्चा होता है, उल्टा भी होता है, हम लोग अच्छे से नॉर्मल करा देते हैं, बोली थी हम लोगों के लिए। तो क्या हुआ फिर डिलीवरी के बाद? तो उसके डिलीवरी के बाद देखे तो बच्चा रो भी नहीं रहा था, तब हम लोग चिल्लाने रोने लगे कि बच्चा है ही नहीं, तब बोले कि बच्चा ये पैदा होते ही मर गया। कौन बताया ये? वही बताएं डॉक्टर साहब। आइए दिखाते हैं आपको शहर के बीचों बीच वर्षों से शेड में चल रहे गैरकानूनी नर्सिंग होम का नजारा। गौर से देखें, शेड में पड़े बेड पर लटका ग्लूकोज का बोतल और वहीं रखा है प्रसव कराने का उपकरण, जिसके द्वारा इस घुटन भरे कमरे को प्रसव केंद्र का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। जहां की डॉक्टर दावा करती है कि मौत तो कहीं भी हो जाती है, यहाँ की डॉक्टर का कहना है कि नर्सिंग प्वाइंट पर हम ही लोग ना डिलीवरी कराती है। तो ये बताइए कि आप कितने दिनों से अपने यहाँ डिलीवरी करा रही थी? आप अपने अपने आवास पर भी डिलीवरी कराती हैं? डिलीवरी तो सर हम लोग पीएससी पे कराते ही थे। नहीं, पीएससी पे कराते थे नहीं, आप अपने आवास पे करा रही हैं। अभी आपके यहाँ एक घटना हुई है जिसमें एक बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ है, जो आपके द्वारा बताया गया है, और आप ही के कुछ हम नहीं कहे हैं। आप कुछ नहीं बोली हैं? हम ये सब क्यों कहे जाते, डॉक्टर खुद ही बुढ़िया कहते डिलीवरी ले कर कराइए यहाँ। अच्छा, तो आई है लोग, हमसे क्या मतलब है कि बुलाने जाए, तो रिटायर हूँ, खुद ही तबीयत खराब रहता है, घर पे रहते हैं। तो जब आपकी तबीयत खराब है तो फिर आप कैसे डिलीवरी करा रही थी? अरे तो हम गए थे छठियार में। अच्छा, ये बताइए डिलीवरी कराने से पहले आपने महिला की रिपोर्ट देखी थी? हाँ। क्या था रिपोर्ट में? उल्टा बच्चा था। तो फिर आपने इसका रिस्क कैसे लिया डिलीवरी कराने का? कहाँ लिए हैं? तो बच्चा तो आप ही के मरा हुआ पैदा हुआ है। मरा हुआ कहाँ नहीं पैदा होता, हॉस्पिटल में चाहे कहीं भी नर्सिंग होम, मरा हुआ तो होता ही है, जो होना होता है। ये बताइए डॉक्टर के रिपोर्ट में क्या था महिला के? उल्टा बच्चा है। तो फिर आपने रिस्क कैसे लिया? हम कहा रिस्क लिए, हम कहे कि भाई होगा तो करा देंगे, होगा तो करा देंगे। हाँ। तो आपके इस आवास पर जो है डिलीवरी कराई जाती है? हाँ, तो जिसका कोई प्रमाणित पत्र नहीं है, कोई प्रमाणिक नहीं है, कहे हम लोग ट्रेनिंग किए हैं तो डिग्री नहीं। आपके ट्रेनिंग से और डिलीवरी कराने का जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है, हम ही लोग ना कराते हैं पीएससी पर। अच्छा, आप क्या लोग जबरदस्ती कराते हैं? और क्या जबरदस्ती है, और आप डिलीवरी करती हैं? आप डिलीवरी कराती हैं जबरदस्ती? जबरदस्ती सबको, हमको सबको थोड़े कराते हैं, मेरे क्षेत्र के आती हैं उन लोग करा देते हैं, तो हमारे क्षेत्र के आते हैं सब। बस इतना बताइए, क्या आप मानती हैं कि आप अपने आवास पर डिलीवरी कराती हैं? तो डिलीवरी तो होता है, सब जगह होता है। क्या कर दिए आप? आपके यहाँ आज एक महिला की डिलीवरी कराई गई है जिसका बच्चा जो है डेथ कर गया, क्या है पूरा मामला? सर डेथ नहीं कर गया है, बच्चा पेट नहीं मरा था, बच्चा उल्टा था, डॉक्टर संगम सिंह उसको देखी थी, वो
थोड़ी के ऑपरेशन से होगा। ये लोग यहाँ आई दादी मैं करी कि नहीं हमें नॉर्मल करा दिए, हम कहीं यहाँ हम लोग आ रहे हैं कि कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई देखते नहीं है, वो भी बस अपने क्षेत्र का जो मरीज आता है विश्वास वो भी बस नॉर्मल करके बिताते हैं। हमारे यहाँ कोई ऑपरेशन का कोई ऑक्सीजन का ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं कि मतलब हम आप किसी मरीज को रोक लेके आप रहिए, हम आपको सारी व्यवस्था है। डॉक्टर ने इसको देखा था बच्चा पेट में मरा हुआ था, फिर आपने ऐसा रिस्क कैसे ले लिया? हम बता रहे हैं अभी कि डॉक्टर जो संगम सिंह देखी है इनका अल्ट्रासाउंड में बच्चा बेड़ा है, तो बेड़ा बच्चा सब नॉर्मल जब होगा सही होने में 100% चांसेस है। बताइए आप अभी बोल रही हैं कि बच्चा बेड़ा था, पहले आप बोल रही थी कि बच्चा मरा हुआ है। नहीं सर, आप रिपोर्ट संगम सिंह देखी उसमें डॉक्टर बेड़ा है तो बोल दिए कि ऑपरेशन होगा तो ये लोग नॉर्मल करें तो नॉर्मल या ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? डॉक्टर की होती है ना सर, तो हम लोग जब बोल दे कि जाइए ऑपरेशन करते लोग कराना चाहिए ना ऑपरेशन। जब रिक्स था आपने रिपोर्ट दिखी थी आपको डिलीवरी नहीं करना था, नहीं आपने डिलीवरी की तो सर डिलीवरी की वजह से की हम लोग, मतलब आप किसी के भी जान माल के साथ रिस्क ले सकते हैं? आपके पास ऐसी सुविधा है आपके यहाँ डिलीवरी के लिए कोई सिस्टम है? नॉर्मल डिलीवरी मम्मी पोस्टेज हम लोग डिलीवरी पॉइंट पर मम्मी। आपको कैसे पता होता है कि जब भी डिलीवरी होगी तो नॉर्मल ही होगा, हम नॉर्मल करा लेंगे सर? जब भी पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी का ही हम लोग। और यहाँ तो रिपोर्ट डॉक्टरी का लाइसेंस है कि नहीं है? डॉक्टर का नहीं, नर्स का है, नर्स का डिप्लोमा है। नर्स के लाइसेंस पर आप बच्चों की डिलीवरी कराती हैं? सर हम लोग अपने क्षेत्र का कराते, कोई बाहरी डिलीवरी नहीं कराते सर, जो विश्वास डिलीवरी पॉइंट नियुक्त हुई है। जनपद के लोगों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार सीएमओ कार्यालय के नाक के नीचे चल रहे गैर कानूनी जानलेवा नर्सिंग होम पर कार्रवाई के संदर्भ में जब प्रभारी सीएमओ बलिया से मीडिया ने साक्ष्य दिखाकर पूछा तो प्रभारी सीएमओ ने ये माना कि हमारी और जनपद के सभी उच्चाधिकारियों के नाक के नीचे गैर कानूनी नर्सिंग होम का संचालन हम सभी के लिए गंभीर विषय है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन आवश्यक बताया और एप्लीकेशन के अभाव में मीडिया कर्मियों से एप्लीकेशन की मांग की और कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और एक एप्लीकेशन कल लेके आइएगा, सीएमओ साहब आ जाएंगे, ज्ञापन दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम लोग अपनी खबर चला लेते हैं, रात को 12 बजे तक मेहनत से बिना बाइट खबर चला नहीं पाते। बाइट हम नहीं देते हैं, चार बार बाइट नहीं देते हैं, सीएमओ ही वो बाइट देगा। हरी है ना, आप ये बता दीजिए कि जाँच चल रही है बस इतना कर दें। जाँचे अभी एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आएगा, जाँच कैसे कर देंगे? भैया आप भी इतना होशियार होकर बात कर रहे हैं, अभी तो मेरे पास आया ही नहीं। अच्छा, आपके एप्लीकेशन नहीं? नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि हमारे थाने में भी सर कल की तहरीर दी गई है और काफी गंदे तरीके से सर वहां पर चलाया जा रहा है। आप समझ लीजिए, देख लिया हूँ आपके सारी पिक्चर में देख लिया, लेकिन इस पर गंभीरता जितना गंभीरता इसलिए कि मेरे नाक के नीचे डीएम सीडीओ मैं खुद मैं ही उस खबर से। अब आप लोग सारे लोग जनप्रतिनिधि करे क्या नाम है आप स्तंभ जो चौथे स्तंभ है सबके सामने ये कार्य हुआ कहीं दूर होता तो सर कहने का मतलब कहीं दूर होता ना तो और भी कहा जाता, लेकिन ये तो अशोभनीय है। कप्तान साहब सीएमओ साहब आएंगे प्रकरण को गंभीरता से विचार कर कर अभी कप्तान साहब से बात हुई तो भाई स्वास्थ्य विभाग का मामला है, हम पैर नहीं देंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी देंगे सीएमओ साहब देंगे। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की चाह में गांव से जिला चिकित्सालय पहुंचे गांव के भोले भाले लोगों को अनट्रेंड लोगों द्वारा संचालित गैर कानूनी नर्सिंग होम अक्सर इसलिए भी आकर्षित कर लेते हैं कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का व्यवहार मित्रवत नहीं होता और ऑपरेशन के नाम से भयभीत भी हो जाते हैं, लेकिन जब इसी तरह के नर्सिंग होम वाले अपने अच्छे व्यवहार से भरोसा दिलाकर लोगों को फंसा लेते हैं और ऐसे अवैध काम को भी अंजाम दे देते हैं। जिला मुख्यालय पर उच्चाधिकारियों के नाक के नीचे जब ऐसे जानलेवा गैर कानूनी नर्सिंग होम का संचालन वर्षों से निर्वाध चल रहा है और सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई के नाम पर मीडिया कर्मियों से आवेदन मांगा जा रहा है तो दूर दराज के गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या दशा होगी आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।